तो समझो हमारी भी प्रॉब्लम। अरे सुन, दुखी होगा अपने घर में हो, यहाँ मत हो, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए बस, मेरी प्रॉपर्टी। तो वो तुम दोनों की सुन, यही तो बात है, यही तो रोना है, यही तो रोना है, यही तो रोना है। कैसे फालतू बोल रही है, तू हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की मेरे को? तुझे भी हम नहीं चाहते थे। ए बेटा ना कर, मैंने बोला हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज कबीर, कबीर के प्रैंक चैनल में आपका स्वागत है। गाइज मैं आ चुका हूँ फिर से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और स्टूडियो में हेल्प कर रहा हूँ माताजी के साथ उनके हस्बैंड ने। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इनकी बहू की। इनके जो बेटा है वो कम उम्र का सबसे छोटा लड़का है, इनके तीन लड़के हैं, ठीक है। जो सबसे छोटा वाला है वो थोड़ा सा ख़राब निकल गया है, वो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, और उसने पहले बाहर लव मैरिज कर ली, उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत अच्छी बात है कि लव मैरिज के बाद कोई एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद में भी उस लड़की ने इनका जीना हराम कर रखा है, हद मचा रखी है। इनके जो दोनों बेटे हैं उनको इनसे कोई मतलब पहले भी नहीं था, वो पहले भी अलग ही रहते थे, घर ऐसी है ना जी, घर छोड़ के चले गए थे ना वो, ठीक है। तो अभी क्या है, एक बार आप हमारी ऑडियंस को बताएं एक्चुअल में हो क्या रहा है आप लोगों के साथ। बेटा क्या बताए, वो कहते हैं ना अपनी इज्जत उछालो तो लोग भी बातें करते हैं। हमारी हमने बहुत चाव से अपने बेटे की शादी करी थी, चलो उसको पसंद थी लड़की, हमने कहा चलो खुशियाँ आएंगी घर में, बड़े बेटे की भी शादी करी है हमने, ये इसको लेके आए, जब से इसको लेके आए ना हमारा जीना आराम करके रखा हुआ है। अच्छा, मतलब कि ऐसे ऐसे लांछन हमारे ऊपर, कोई काम नहीं करती है। हमने बोला चलो अच्छे घर की लड़की है, हमें पसंद भी थी, बट बाद में जब इसने अपने रंग दिखाए ना, बस ये समझ लो हमारा जो बुढ़ापा है ना। चाह क्या रही है आज एक्चुअल में आपसे, प्रॉपर्टी चाह रही है, पैसा चाह रही है? हाँ, वो कहती है घर हमारे नाम कर दो, करती है हमारे से। हाँ। और मतलब मेरे पे तो बुरा हाल कर दिया मेरा, समझ लो उसने। कैसे, मतलब क्या एग्जैक्टली किया? हरेसमेंट का केस लगा दिया मेरे पे, ऐसे छेड़छाड़ का आरोप लगा रखा। हाँ, और गली मोहल्ले में निकलना मेरा मुश्किल हो गया, यारों दोस्तों से बात करने लायक नहीं रहा मैं। वो कहते हैं कैसी कैसी तेरे बात फैली पड़ी है मार्केट में, देखो। मतलब ये ऐसी कैसी बहू आई है कि जो अपने बाप समान ससुर पे ऐसे इल्जाम लगा रही है, बेबुनियाद बेबुनियाद के झूठे आरोप लगाती है इनके ऊपर। प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो लड़के के। हाँ हाँ, तो मतलब वो कहते हैं हम दोनों रहेंगे, तुम दोनों निकलो यहाँ से, और अब हम कोई काम मतलब नहीं करते, रह रहे हैं, आपको पता नहीं विद्या आश्रम से आ रहे हैं हम लोग जैसे। अच्छा, हाँ, मुझे जिस लड़के ने एक्चुअली क्या है गाइस, किसी लड़के के थ्रू ये लोग आए थे और इन्होंने हमसे मिलवाया था उन्हें। तो देखो मुझे उस लड़के ने कुछ कुछ बातें बताई, बट मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका नलायक बेटा है आपने कभी उससे बोला नहीं जब आप वृद्धाश्रम गए? वो क्या सुनेगा, वो क्या सुनेगा, वो तो उसी के प्यार में पागल हुआ पड़ा, कुछ नहीं सुनता वो उसकी। अच्छा, उसके बारे में जितना भी हम लोग बोलते हैं भी, हाँ ये हमारे साथ ऐसे करती है, कह रहे हो ही नहीं सकता, आपकी बहू तो इतनी अच्छी है। अच्छा अच्छा, आपके पैर धो धो के पीती है, अब पता नहीं उनके कानों में क्या बातें करती है हमारे बारे में। वो तो हमको पता है ना, हमको पता है वो क्या हमारे साथ बिहेव करती है। मुझे लड़का था वो कह रहा था कि उसके यार दोस्त वो पार्टी के लिए आते, बदतमीजी करते घर के अंदर। तो ये क्या सीन है, उस दिन क्या हुआ था जब ये मारपीट कहा तपाई कर रही थी आपसे? वही इसके दोस्त वगैरह आते हैं। हाँ। देर रात वगैरह मतलब इनको घूमने के लिए जाना है तो। हाँ। वो भी मना नहीं जाती है, वो भी मना नहीं करता, मैं जा रही हूँ अपना, हमने भी मना नहीं कभी किया, देर से आती है डेढ़ डेढ़ दो दो बजे रात में, हमने कभी मना नहीं किया, दरवाजा खोलना पड़ता है तो वो कह रहे बुढ़े बुढ़िया ही डिस्टर्ब करते हैं इनको, छोड़ के वहाँ पे वृद्धा आश्रम में छोड़ दो तो मैं पूरी आजाद हो जाऊंगी। तो मतलब अच्छा, इसलिए छोड़ा है वृद्धाश्रम। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, ये बात को मैं समझ गया हूँ। तो अभी ये बताओ वो कितनी देर में आ रही है, क्योंकि वो लड़का मुझे बता रहा था कि आपने बुलाया तो वो कितनी देर में आ रही है? एक बार बुलाया था, कह रही मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ, अभी मेरे को टाइम लगेगा, अभी मैं फिर दोबारा एक बार कॉल करेंगे तो देखो शायद वो आ जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, तो मामला कुछ ऐसा है, लड़की बहुत बदतमीज है, ठीक है, वो इतना बदतमीज से बिहेव कर रही है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं हम, अभी हम उसका वेट कर लेते हैं, चाहे वो एक घंटा लगाए दो घंटे लगाए, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो और मैं मिलता हूँ तब जब वो आ जाते हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बार ना आपके बेटे की आँख खोलने के लिए हमें चाहिए होंगे कुछ प्रूफ, ठीक है। उस प्रूफ के लिए मैं जा रहा हूँ कैमरे के पीछे, आप दोनों यहाँ पर बैठो। समझ में नहीं आता, क्या पता भी मैं क्लब में दोस्तों के साथ थी मैं? बेटी, अरे बेटी, हमने तुम्हारे साथ क्या ऐसा किया, तुम क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा, क्यों कर रहे हो ऐसा? सुन मेरी बात, तेरे को क्या बोला था मैंने प्रॉपर्टी नाम करते करी तूने? अरे मेरी बात सुन ले बेटा, पहले मुझे पता करी तूने प्रॉपर्टी नाम? हाँ छोड़ बोल। अरे बात तो सुनो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, क्यों क्यों कर रही हो तुम ऐसे हमारे साथ? मजबूरी में बुलाया तेरे को हमने यहाँ पे बेटा, धोने का नाटक अपना
कहीं और दिखाई हो या नहीं चलेगा। बेटा कोई दुखी होता तभी रोता, समझो हमारी भी प्रॉब्लम। अरे सुन, दुखी होगा अपने घर में हो, यहाँ मत हो, मुझे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए बस, मेरी प्रॉपर्टी नाम कर दे, कुछ नहीं कह रही मैं। अरे सुन, इतना बोल क्यों रहे, सुन मेरी बात, अभी तेरे पे कम आरोप लगाए हैं, छेड़ने का ढंग से लगा दूंगी, और तू ये ड्रामे मत कर बुढ़िया, यहाँ बैठने उठने ड्रामे मत कर यहाँ पर, छोड़ दे बेटा ऐसे मत। तू क्या बोल रहा है, तू ज्यादा कैसे बोल रहा है? बेटा मैंने कुछ नहीं कराया ना, मैं कुछ बेटा, जो जो कहा है, जो जो कहा है, मैं पूरा घर का घर संभालती हूँ, कभी मेरा काम करने के लिए बोला, तुम क्यों करती हो हमारे साथ ऐसा? घर जैसा मोल चाहिए हमारे को, हमारी उम्र तो दे। बोल जल्दी बोल, क्यों बुलाया मेरे को, मैं वहाँ पर ना दोस्तों के साथ ही, एक तो मेरा टाइम वेस्ट करते हैं हमेशा आने के लिए। बेटा बात तो सुन, बात क्या सुन, बोलो, मैंने क्या बात सुनूं यार, मेरा बेटा कितना तुम्हारा इतना करता है, कितना करता है, कितना करता है, मुझे क्या करता है, तीनों बेटे क्या कर क्या रहते, तीनों बेटे मेरे इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, तुमको भी मैं यही मान के लेके आया, बहुत अच्छे। सुन मेरी बात, तेरा बेटा देख मेरे प्यार में है, तो वो तुम दोनों की सुन, यही तो बात है, यही तो रोना है, यही तो रोना है, यही तो रोना है, यही तो रोना है, देखो जी कैसे कर रही है, ये देखियो हम बहुत परेशान हैं, हमारे पे थोड़ी दया करो, देख सुन मेरी बात, और सुन बुड्ढे, ये ज्यादा दया कर, दया कर मेरे सामने मत कर, समझ आ गई? अरे बात सुन मेरी, प्रॉपर्टी चुपचाप दोनों मेरे नाम कर दो, अदरवाइज फिर देख लेना दोनों पे ऐसा ऐसा। सुन मेरी बात, तेरे को भी पता होगा ना, आजकल सास बहू में सास की दुआ कर दो, इसीलिए तो तुझे लेके आए थे, ये कोई तो अच्छी बनेगी, बाकी दो बेटे तो गए ऐसे, तीसरे बेटे की शादी करी इसीलिए, इसीलिए शादी करी थी उसकी भी, तू अच्छी आएगी। मेरी बात, तीन लड़कियां तेरी, मैं अच्छी बनूंगी, सारे ड्रामे मैं ही करूँ तेरे घर में आके? ये सुन, नौटंकी कहीं और करियो जाके, यहाँ मत करे, की कोशिश कर। अरे तू कैसे बोल रहा है, तू क्या खड़ा रहे इधर चुपचाप, क्या है? अरे सुनो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए? बेटा दे दिया तुमको, प्रॉपर्टी दे, बेटा दे दिया ना, नाम कर दो, बेटा दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बेटा तुम्हारे पास ही, तुम नहीं रहना उसमें, हम सब कुछ तो तुम्हारा है बेटा, सब कुछ तुम्हारा है, नाम कर, सब कुछ तुम्हारा है, हमने कहा लेके जाना है, साथ ले जाएंगे, तुमने जैसा कहा हमारे बेटे ने, तुम्हारे कहने से मुझे नाम चाहिए ना, तुम्हारे कहने से तो हमारे बेटे ने हमको वृद्धाश्रम में फेंक दिया, हमारी तो जिंदगी हो गई है, हमारी जिंदगी यही है, आराम कर रखा था उन्होंने, पहले सुन तो इधर आ, दिमाग खराब करके रख रखा है दोनों ने, मेरा जिंदगी खराब कर दी है मेरी। अरे बेटा सुन तो सही, सुन तो क्या सुनूं, सुन तो सही, हाथ मत लगा मेरे को, बोल क्या काम है, तूने आज तक जो जो बोला हमने किया ना, प्रॉपर्टी नाम करते कितनी बार कहूं तुझे, अरे बेटा बैठ के बात कर लेंगे ना, बेटा बैठ के बात कर लेंगे ना, कहीं दोस्तों में नहीं बैठ सकता मैं, कहीं गली से कहीं से निकल नहीं सकता, लोग थूकते हैं मेरे मुंह पे, मेरे मुंह पे थूकते हैं, तूने ऐसे ऐसे आरोप लगाए मेरे पे, तू कभी, हमने तेरे को किसी काम के लिए मना किया, तू अपने दोस्तों के साथ घूम, अपने सहेलियों के साथ घूम, रात दिन दिन रात तू कभी भी आए, कभी हमने मना किया तेरे को, फिर तुझे क्या दिक्कत है हमारे से, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुझे हमारे से? ओ बात सुनो मेरी, प्रॉपर्टी नाम कर दो दोनों चुपचाप मेरे, हम बैठ के बात कर लेंगे, तुम्हारे बैठ के बात कर लेंगे, सब कुछ तो तुम्हारा है, हमने कहा लेके जाना है, आज हम लोग है कल नहीं है, कहाँ लेके जाएंगे हम लोग, ये बताओ पहले, शांत हो जाए एकदम, चुप रह, कुछ रह गया हमारे लिए, पहले चुप रह, कुछ नहीं बचा हमारे, चुप रह, दोनों को बोलो चुपचाप, प्रॉपर्टी नाम कर दो, अदरवाइज प्रॉपर्टी बेटा तुम्हारी है, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही तो है, नाम कर दे ना, नाम कर दे, नाम करने में क्या दिक्कत हो रही है तुम दोनों को, तुम्हारी ही है, हमने कहा लेके जानी है, क्या आपकी काम आएगी, आपकी नाम करेंगे बेटा, संभाली हुई है, कहीं लेके जानी है हमने, चलो बैठ के बात करते हैं बेटा, बैठ के बात करते हैं इस बारे में, सब कुछ तुम्हारा ही है, हमने कहीं नहीं लेके जाना, और सुन बुड्ढे इधर आ, अरे बेटा बेटा ऐसे मत करो हमारे साथ में, आप समझो, अच्छा, समझदार हो आप, कैसे फालतू बोल रहे हो, तू हिम्मत कैसे थप्पड़ मारने की मेरे को, तुझे भी बता, तेरी हिम्मत हुई कैसे, तेरी हिम्मत, तेरी हिम्मत कैसे मेरे थप्पड़ मारने की, मुझे हाथ लगा रही है, मैंने क्या बोला, मुझे हाथ लगा रही है, बताओ तू इधर आ, इधर आ, तूने बुड्ढे बुढ़िया के कैसे परेशान कर रखा है, तो मेरे बुड्ढे बुढ़िया को क्यों परेशान किया तूने, तेरे माँ बाप की उम्र क्या है, तेरे माँ बाप की उम्र क्या है ना, तेरे माँ बाप की उम्र क्या है, पहले जवाब दे, तेरे माँ बाप की उम्र क्या है ना, हाँ है तो क्या करूं, तो तू ऐसे बिहेव करेगी, तो करूंगी मैं, अच्छा तू इस उम्र में इनके साथ ये करेगी, तू पागल है, तो मेरी जिंदगी इधर इधर के बात कर, एक बात बता, ये तेरी तेरे बाप की उम्र से कम है जो तू ये काम कर रही है, तो मेरे बाप की चाहे उम्र के हो लेकिन इनका मेरी जिंदगी है, मैं कैसे बिजी हूं, तुझे तू कैसे बिजी है, कैसे बीच में, अच्छा वो देख कैसे डर रही है, वो देख कैसे डर रही है, कैसे डर रही है वो देख, मैं बता, इसने हमारा जीना आराम करके रखा हुआ, छोड़ दूंगा तेरा यहीं पे, कभी किसी और भूल में लग रही है, हाथ मत लगा, मैं लगा रहा हूं, मैं कहां, क्या करेगी, क्या करूंगी, क्या करेगी बता ना, हाथ किस लगा रहा है तू मेरे को, मेरा हाथ मत लगा, तू हाथ किस उठा रहा है,
बताऊं तुझे अभी क्या दिन देखना पड़ रहा है। हमने बेटी की तरह पाला था, बेटी की तरह, बेटी की तरह समझ रहे थे इसको भी। हाँ हमारी दूसरी बेटी है, एक हमारी बेटी ससुराल गई, इसको समझा। कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं, इतनी शर्म है तो क्या काम कर रही है इतने बुढ़े बुढ़ियों के साथ? इनकी एज क्या है, एज देख रहे, एज क्या है, शर्म वाली बात है नहीं है? बताओ तुझे अभी तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे आई है? हमारे घर का मैटर है, तू बीच में क्या कर रहा है? देख रहा है तुम उनकी तरफ, देख क्या क्या दिन दिखा दिया। चुप रहो तुम दोनों, इस मॉल में लाड़ खड़ा कर दिया तूने। बैठ के बात कर, बैठ यहां कहीं मुंह दिखाने के लिए। बैठो एक मिनट, बैठो एक बार, बैठो बोल, एक बात बता, बोल एक बात बता, ये जो तेरी इनकी जो इतनी उम्र हो रही है, इस पे छेड़छाड़ का आरोप लगा रखा तूने इस उम्र में? कितने बुड्ढे बुढ़िया है ये तो, ए तू जितनी है ना उससे ऊपर उछल रही है तुझे बता रहा हूं। रैपटे में उड़ा दूंगा तुम दोनों, किसको बुला के लाओ अपने साथ हैं? बताऊं तुझे बेटा, अपने मेरे से बात कर, इधर इधर बात कर, बता तुझे रैपट मारते नचा दूंगा। मारियो तू, हैं खड़ी हो, खड़ी हो। हम नहीं चाहते थे ये कुछ भी हो, हम नहीं चाहते थे। ए बेटा ना कर, मैंने बोला तू होता कोई खबर मारने आया, बता तुझे मुझ पे चढ़ मत। अरे बात सुन मेरी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, क्या हाल हो? हम नहीं चाहते थे ऐसा कुछ हो तुम्हारे साथ। क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया, समझ में तुझे? और सारा रिकॉर्ड हो गया तू कैमरे पे, समझ में तुझे? और इन्होंने बोला मम्मी पापा, तेरी जितनी भी अकड़ है ना एक रैपटे में निकाल दूंगा। मुझे बता रहा हूँ, मेरा नफरत है मुझे जब ऐसा कोई अपने माँ बाप की उम्र से बात करे ना। बूढ़े बूढ़े आदमी की माँ बाप की तरह रिस्पेक्ट करनी चाहिए, समझ में आई तुझे? मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ, बेटे हमें किसका सहारा है, तुम्हारे लोगों का सहारा है, आश्रम रहने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतना मजबूर कर दिया बेटा हमारे को, हेल्प लेनी पड़ी हमारे को। बताता हूँ इनका जो लड़का है ना, आज के बाद तो तेरे जाल में ना रहना। इधर कोई यहाँ खड़ी मेरे साइड में खड़ी हो, दिखा अपना कैमरे चेहरे में, दिखे देख। अब जो तेरे यार दोस्त दिखावे ना तू, कि मेरे यार दोस्त 10 पिटवा दूंगी, करा दूंगी, सबके पास जाएगी वीडियो, क्या इज्जत रहेगी तेरी? प्लीज वीडियो डिलीट करवा, वीडियो डिलीट ना होने की है। मम्मी पापा प्लीज आप मुझे माफी मांग रही हूं, प्लीज वीडियो डिलीट करवा दो आप। वीडियो डिलीट ना होने की ना, मैं माफ करना। बेटा ये लोगों के लिए मैसेज है, लोग सीखेंगे इससे, कोई जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करेगी बेटी। परिवार की बदनामी ज्यादा है, सुन मेरी बात, परिवार की बदनामी ज्यादा है। इन्होंने इस चीज के लिए वॉइस रेज करी है, 10 लोगों के परिवार बचेंगे ऐसा करने से, समझ में तुझे? पापा प्लीज आप मुझे माफ कर दो भैया, प्लीज आप बोल दो वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट, नहीं वीडियो डिलीट ना, बिल्कुल मत करना। ये थोड़ी देर के लिए रंग बदला है इसका, ये ऐसे ही रंग बदलती है क्रिकेट के जैसे। वो क्या कह रही है, ये क्रिकेट के जैसे रंग बदलती है। नहीं मम्मी मैं इस बार सच में मत करना ऐसा, कुछ कुछ भी मत करना। पहले ये मैं वीडियो पहले मैं वीडियो दिखाऊंगी, पहले अपने बेटे को दिखाऊंगी, फिर उसके बाद कुछ सोचूंगी इसके बारे में। बैठो बैठो बैठो, रो मत जी, रो मत, बिल्कुल मत रो, ऐसा रोने की कोई बात नहीं है। अब जो आपकी टेंशन थी ना, आपके जो बेटा है, जो नलायक बेटा है, नलायक कह रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आपके बेटे को नलायक बोलो, बट वो एक्चुअली में नलायक है। जिस माँ बाप को अपने बेटे के होते हुए ये दिन देखने पड़ रहे हैं ना, तो उससे बड़ा नलायक बेटा कुछ है नहीं, ठीक है जी? मानते हो ना ये बात? तो बिल्कुल सही है। अब आप बेटा इसीलिए तो हमने माना था, इसको बेटी बना के लेके आए। लेकिन बेटियों को भी सोचना चाहिए, दूसरे का घर बसाना है, जैसे उसके माँ बाप होते हैं वैसे हमको भी माँ बाप माने ना। ये आपका बड़प्पन है कि आपने लव मैरिज के बाद भी उन्हें एक्सेप्ट किया, ये आपका बड़प्पन है। बट ये उसकी मतलब गलत बात है कि उसने कभी आपको माँ बाप नहीं समझा, समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास प्रूफ आ गया, आपके छेड़छाड़ का आरोप खत्म, आप दिखा सकते हो, मेरा चैनल है कबीर के प्रैंक, वीडियो जाएगी, आप दिखा सकते हो जब आपका मन करे दोस्तों, ये सारे में फैलेगी, वायरल होगी। तो गाइस इनके कहने से ये वीडियो ना एक बार शेयर कर देना, इसलिए शेयर कर देना कि ऐसे लोगों के पास वीडियो चले जाए जहाँ पे ये दिक्कतें हो रही हैं एक्चुअल में, ठीक है? किसी माँ बाप के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ। सफर कर रहे हैं, इनको पता है इसका दर्द क्या होता है, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है? तो अभी क्या कर रहे हैं, मैं ये वीडियो पे खत्म कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाशा बहुत हो गया है, ठीक है? तो भीड़ भाड़ भी इकट्ठी हो गई। तो गाइस अगर वीडियो ठीक लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कबीर के प्रैंक फॉलो कर लो फेसबुक, कबीर के प्रैंक ऑफिशियल कबीर जरूर, मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे दिख रहा होगा, वहाँ पे आके मुझे मैसेज करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलो जी मैं आपको वीडियो दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप उस चीज़ की टेंशन होते, देखो आप मुझसे बड़े हो तो आप हाथ भी मत जोड़ो मेरे आगे, मैं आपके बेटे जैसा हूँ तो उतना काफ़ी है। नहीं आपने बहुत मदद करी है, दूसरे लोगों को भी अच्छा मैसेज जाएगा। हाँ बहुत चलो तो ठीक है।